तो ये थी हमारी ईद की मॉर्निंग का स्टार्ट। और मैंने सुबह उठ के देखा तो फ्रिज में जो है दूध नहीं था। हस्बैंड मेरे जॉब पर थे, उन्होंने तकरीबन 1:30 बजे तक आना था, तो मैं बहुत परेशान होगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि शीर खुरमा के बगैर तो ईद बिल्कुल अधूरी लगती है। खैर मैंने ये किया कि जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने कहा चलिए इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर दूध आ जाएगा तो हम बाद में बना लेंगे, और नहीं भी आएगा तो शीर खुरमे के बग़ैर भी हम इस दफ़ा ईद मना सकते हैं, जैसे और बहुत सी चीज़ों के बग़ैर मना रहे हैं। तो खैर यहाँ पर दही फुल्कियाँ मेरे प्लान का हिस्सा थी तो मैंने वो बना ली अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि फ़्रेश ही अच्छी लगती हैं और जल्दी से बन भी जाती हैं, कोई इतना बड़ा हैसल नहीं है उसमें। तो साथ मेरा आज क्या प्लान था, मैंने सोचा कि आज पिंक टी बनाते हैं, क्योंकि पिंक टी इतनी एफ़र्ट लेती है, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाना उसको बहुत मुश्किल है, तो आज का दिन बिल्कुल आइडियल डे है कि हम इसको ट्राई आउट करें। तो जब तक मेरे हस्बैंड ने आना था उस वक्त तक इसका कावा भी रेडी हो जाना था, इसलिए मैंने बस इसका पानी रख दिया। इसमें मैंने पत्ती डाल दी ऑलमोस्ट 3 हीप टीस्पून्स के बराबर, और पानी जो है मैंने तकरीबन 2-3 ग्लास लिया था। तो बस जब ये अच्छा सा बन जाएगा तो फिर तकरीबन 1/2 आवर के बाद हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे कलर के लिए, और चटनी के क्यूब और इमली की चटनी, हरी चटनी, इनके मैंने बना के रखे होते हैं यहाँ पर जो है। वो बस मैंने दही भी रेडी कर लिया था ताकि दही फुल्कियाँ जो है वो बना के बस इसको फ्रिज में रख दें ताकि ठंडी हो जाए टाइम पर। वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरी कश्मीरी चाय में ठंडा पानी भी चला गया है, इसको मैं फेंट रही हूँ, यानी कि फेंट ही लगा रही हूँ इसकी सही से। तो बस ये हमने वक्फे वक्फे से करते रहना है, बिल्कुल सर पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं साथ साथ बहुत सारे काम अपने कर रही थी, तो यहाँ पर जो है वो बस मीठे में फिर मैंने सोचा चलो केक बना लेते हैं, केक जल्दी से बन जाएगा क्योंकि दूध के आने के तो अभी तक कोई आसार नहीं थे, और दूध आना भी था तो उस टाइम पे अगर शीर खुरमा बनाते ठंडा करते तो बहुत टाइम लग जाना था। तो बस फिर मीठे में मैंने जो है एक मैंने डिज़र्ट और प्लान की हुई है, वो आप लोग आगे चल के देखेंगे, और एक मैंने केक बेक किया। तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत डिटेल में रेसिपीज़ नहीं देनी थी, लेकिन केक के बारे में चलें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने 4 अंडे लेके उनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें जाएगा 1.5 कप के बराबर मयरिंग कप होना चाहिए, ये आपने मेक श्योर करना है। उसके बराबर इसमें मैदा चला जाएगा और तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें शुगर जाएगी, और मैंने तकरीबन 1.25 कप के बराबर जो है इसमें बटर डाला है मेल्ट करके, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और 1.5 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, और इसके बाद वनीला एसेंस डालें या अपनी मर्ज़ी का कोई भी एसेंस डाल के इसको अच्छे से आप बीट कर लें। और इसके बाद जो है वो आप कोई भी केक पैन लें, मेरा केक पैन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन आई थिंक 9-10 इंचेस का है, तो इसके अंदर जो है वो मैंने बटर पेपर लगा दिया है, और बटर पेपर से यह है कि ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा और बड़ी अच्छी से जो है ना ये हमारा कुक हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो है आप इसको ऑलमोस्ट 340 डिग्रीज़ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। आप इसको चेक करते रहें क्योंकि हर ओवन जो है उसका डिफरेंट होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको हमने शेक कर लेना है ताकि बबल्स बाहर आ जाएं, इससे ये कि ये बड़ा अच्छा सा जो है ना ये बन जाएगा हमारा। तो बस अब हमने केक बनने के लिए रख दिया है, 2 चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मुझे बच्चे बस उठ रहे थे और मैंने सोचा कि यार अब इनको नाश्ता क्या कराया जाए, तो चूँकि अब ज़ाहिर ईद है और हमारे तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और बस मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो फिर अभी हम जो है वो डायरेक्टली जो नाश्ता करेंगे वो इसी किस्म का होना चाहिए, जो थोड़ा लंच और नाश्ता, नाश्ता तो नहीं हम इसको बोल सकते ठीक है ना, तो लंच ही आप समझ लें। तो बस फिर यहाँ पे कोई स्पेशल रेसिपी मैंने फॉलो नहीं की थी, बस जो हाथ लगता गया मैं डालती गई, थोड़ी सी टोमेटो सॉस पड़ी थी वो डाल दी, बटर चिकन का मुझे मसाला भी मिल गया वो भी थोड़ा सा फेंक दिया इसके अंदर, और बस थोड़ा सा बटर डाला है, और क्रीम की जगह दूध आ गया था दूध डाल दिया हमने। अब शीर खुरमा तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक डिज़र्ट और बनने वाली है, उसके लिए आप देखना मैं बनाऊँगी पाइन एप्पल डिलाइट, और वो बहुत मज़े की यमी सी रेसिपी है। केक जो है ये भी बना लिया क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो बस अब एक कांटा लें और उसकी मदद से इसको प्रिक कर लें अच्छे से, यानी कि सुराख कर दें इसके ऊपर। हमने चूंकि फ्रॉस्टिंग करनी है इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ पाइनएप्पल जूस, आप दूध भी डाल सकते हैं और कुछ भी ना डालें तब भी चलेगा।
यहाँ पर जो है मेरी बेटी जो है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह इतना अच्छा उसका ड्रेस लग रहा है। बाय द वे ये ड्रेस जो है वो रंगजा का था। अब यहाँ पे जो है मेरी तैयारी होने लगी है जो कि लिटरली 3 to 5 मिनट्स में डन हो जाएगी। मैंने अपनी स्किन को लंबा चौड़ा प्रेप ही नहीं किया, बस सिंपल हल्की सी बेस लगाई है और अब जो है मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल सा लाइनर है। फेस्टिवल में यूजली हम थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी नहीं की, आप लोग देख सकते हैं। बल्कि यहाँ तक कि मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया हूँ। आई वॉज़ फीलिंग सो बैड अबाउट इट। एनी वेज अच्छा ब्लशर मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे आई शेड्स में बेटी से पूछ रही थी वो भी नहीं मिल रहे थे और हालांकि वो सामने पड़े हुए थे, बाद में मिल गए थे मुझे। लेकिन मैं इतनी बिजी थी कि बस जो है ना बस यही हमारी तैयारी होगी। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक का एक ऐसा शेड मेरे पास है जो मैं बिल्कुल लिप्स पे नहीं लगाती या कभी मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो उसी को बस मैंने हल्के से डॉट्स के साथ बस टिंट किया है एंड आई एम ऑल गुड टू गो। तो ये बहुत ही प्यारा सा आगा नूर का मेरे पास कुर्ता है और ये एक खाड़ी का कुर्ता है जो कि बिल्कुल लॉन का है और वो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहनूँ बड़ी ईद पर, क्योंकि कहीं से अब कहीं डिलीवरी तो मैं मंगवा नहीं रही, तो फिर बस मैंने ये वाला चूज़ किया आगा नूर का। और बस ये देखें मेरा इधर आके US में इतना वेट गेन हो गया कि ये सब बैंगल्स जो मुझे आती थी अब मुझे बहुत ही मुश्किल से आ रही हैं। रिंग भी जो है वो नहीं आ रही थी, बस आ गई जिस फिंगर में मैंने इसे पहन ली। तो बस मेरी तैयारी डन है। ये आगा नूर का कुर्ता है और इसके साथ मैंने पेयर किया है जे डॉट का दुपट्टा, तो आप बताएं कैसा लग रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी तैयारी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब जो है वो हम वापस किचन में जाते हैं क्योंकि आज हमारा सारा दिन तो किचन में निकलने वाला है। तैयार तो हम हो गए हैं, कैसा? तो खैर तैयार होना भी ज़रूरी था। यहाँ पर जो है वो हमारा खाना तैयार है, हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बस बहुत प्यास लग रही थी और मैं ख़ुद भी ड्रिंक ले रही हूँ, अपनी बेटी को भी डाल के दे रही हूँ छोटी वाली को। आइस टी ये वाली बहुत ही रिफ़्रेशिंग है क्रिस्टल लाइट के नाम से, अगर आपको अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर बनाएं। फिजी ड्रिंक्स के मुकाबले में तो खैर ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। बस हम लोगों ने अपना लंच किया, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो है हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स खींची और थोड़ी देर इन्जॉय करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि जो है वो मेरे हस्बैंड भी थके हुए आए थे जॉब से। तो बस फिर जो है वो मैंने भी किचन में चूंकि काम करना था तो आपको पता है ख़राब भी होने का डर होता है, अनकम्फर्टेबल भी होते हैं और साथ में ये कि स्मेल भी आ जाती है खाने की। अच्छा जी अब यहाँ पे जो है वो मैं बना रही हूँ निहारी, रात को ही हम खाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी लेट अब खाया सारा कुछ और वैसे भी ये कि अब मैं शाम तक अपनी टेबल रेडी कर लूँगी इंशाल्लाह ताला, तो वो ये कि सारा दिन हम स्नैकिंग करते रहेंगे। आप भी कपड़े चेंज करके आ गए हो? टाइट हो गए? इट्स वेरी वेरी टाइट। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, मीरा ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। निहारी बनाने के लिए मुझे बहुत यकीन था कि मेरे पास मसाला पड़ा हुआ है जबकि नहीं पड़ा हुआ था, तो बस फिर मैंने इसको अपने मसालों के साथ बनाया। मैं आपको डिटेल में रेसिपी फिर कभी दे दूँगी, लेकिन मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपली सिंपल वे में बताऊँ तो मैंने इसमें सौंफ डाली है, सूखा धनिया, ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, नमक गया है, काली मिर्च की है, थोड़ी सी रेड चिली गई है, अदरक लहसुन एंड दैट्स इट। और बस हमने इसको पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। अच्छा ये लैम्प की पैटीज मेरे पास थी तो ये भी मैं इनको डन कर रही हूँ, ये लदा पाता है कि ये पड़ी रह गई, हमने इसको खाया नहीं। तो यहाँ पे देखें जी मेरी प्यारी सी बेटी जिसको बहुत शौक है बेकिंग का, तो शी वॉज़ जस्ट ट्राइंग हर हैंड्स ऑन द फ्रॉस्टिंग, उसमें मुझे करनी थी लेकिन उसने मुझे करने नहीं दी, तो उसने ये सारा कुछ माशाल्लाह खुद ही से किया और कलर्स भी उसने खुद ही से चूज़ किए अपने ड्रेस के साथ मैच करके। तो छोटी बेटी ने अगर अपने कपड़े नहीं चेंज किए, उसका ड्रेस वैसे भी बड़ा ही कम्फर्टेबल सा था। हाँ।
तो यहाँ पर देखें ये बना रही है माशाल्लाह। तो बेटी इतना प्यारा सा फ्रॉस्टिंग का केक बनाया, वो भी फर्स्ट टाइम, तो फिर तस्वीरें तो बनती हैं ना। तो मैंने इसको बेचारी को बहुत परेशान किया, काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह बना के, तो बस अब वो इसको लेके जाके फ्रिज में रख रही है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब यहाँ पे जो है हमारा फाइनल मीठा, सेकंड मीठा बनने लगा है। हमारी कोशिश है कि हम जो है शीर खुरमे की कमी को पूरा कर सकें। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि प्लीज़ आते हुए अब दूध लेंगे तो कोई पाउंड केक या इस किस्म की कोई चीज़ ले आएँ, तो उनको मिला ही नहीं कुछ भी। तो बस वो ये पता नहीं क्या रंग बिरंगे छोटे छोटे केक्स ले आए हैं, तो वो मैंने बेस में डाल दिए हैं। और हमने क्रीम व्हिप कर ली थी और वो जो है अब हम इसके ऊपर डालेंगे। पहले हम जो है पाइनएप्पल लेयर करेंगे और उसके बाद जो है ना हम क्रीम डालेंगे। अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप कस्टर्ड बना के उसके एक लेयर कर सकते हैं। हमने इसको बहुत सिंपल रखा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि केक भी है तो ये फिर जो है ना, मुझे पता है फ्रिज में पड़ी रह जाती हैं चीज़ें तो इतनी खाई नहीं जाती। तो जो टॉपिंग है उसमें व्हिप क्रीम है। व्हिप क्रीम में हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल जो क्रीम चीज़ होता है वो ऐड किया था और शुगर ऐड की थी। और यहाँ पर जो है हमने टैकोस भी बनाए थे क्योंकि जब मैं चिकन बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना के सारे मसाले ऐड करने से पहले जो है टैकोस के लिए अलहदा कर लिया था। तो बस ये है हमारी टेबल, माशाल्लाह से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद कैसे सेलिब्रेट की, क्या खाना बनाया और क्या खाया आप लोगों ने? ये है कि आई नो कि सबके लिए बहुत ही इस दफ़ा एक डिफ़िकल्ट ईद थी। एक तो कोरोना की वजह से सब लोग बिल्कुल जो है वो एक एंटी सोशल सी लाइफ गुजार रहे हैं। और उसके अलावा ये कि पीआईए का हादसा हो गया इतना बड़ा जिसने काफ़ी मूड्स जो हैं वो हमारे डैम्पन कर दिए। और थर्डली हमारे लिए ये भी था कि हम लोग परदेस में हैं, अकेले हैं, अपने प्यारों से दूर। तो आपको पता है बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए जो कि अभी रिसेंटली अमेरिका आए हैं। तो हमें एक साल हुआ है, हम लोग लास्ट ईयर ऑलमोस्ट रमज़ान के करीब ही हम लोग आए थे, तो इसलिए हमें बच्चों की वजह से भी थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अब ये रात के डिनर की तैयारी हो रही है। जो निहारी हमने रखी थी बनने के लिए वो जो है रेडी हो गई है, तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा ज़रूर, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।